असता ही यही कहा। लेकिन बात सुंदर कहे, जहां सुमति तहां संपत्ति ना, और जहां कुमति ही दूसरों को गिराने का भाव करेंगे तो हम पहले गिरेंगे। ये तो ये सीधी बात है ना, ये प्रकृति का नियम है। जितना दूसरों के प्रति कल्याण का भाव प्रकट करेंगे, जैसा हमारा हजारों बार कल्याण होने लगता है, दूसरों के सुख का भाव करेंगे तो स्वयं आप सुखी होने लगोगे। और प्रकृति के नियम जो हमने समझ लिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। लेकिन बहुत लोग कहते कि कुछ बस नियम ही नहीं उसके जीवन में। ये प्रकृति का बहुत सारे नियम है, और ये प्रकृति जीवंत है, चारों तरफ से ईश्वर हमको देख रहे हैं। दिन में भी हमको देखते हैं, रात में भी हमको देखते हैं, और कहीं भी जहीं भी जाते हैं वहां सभी जगह पर ईश्वर हमको देख रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं वो भी सुन रहे, मेरे विचार को भी समझ रहे हैं ईश्वर। आपको लगता है कि किसी को पता नहीं, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता है। और हमारी पहचान दो व्यक्ति को होती है, आपको और ईश्वर को। स्वयं की पहचान दूसरों को नहीं होती कभी, हमारी पहचान हमारी आत्मा को होती है और एक परमात्मा को होती है। हम समाज के आगे कितने सत्य व्रती हम दिखाई दे, लेकिन स्वयं को तो जानने वाला हम स्वयं है ना, और कौन हो सकता है? तीसरा तो कोई दुनिया में आपको नहीं जान सकता, आपको आपकी आत्मा जानती है, और आपको परमात्मा संपूर्ण जानता है। और आप गए जन्म और अगले जन्म का कुछ भी नहीं जानते, लेकिन परमात्मा तो वो भी जानते हैं। ईश्वर की गति एक न्यारी है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वाणी भी वहां नहीं पहुंचती। इसलिए कथा इसलिए हम सुनेंगे, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, हम कुछ नियम धारण करेंगे, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा, तब कथा सार्थक होगी। और हमको भरोसा है कि सब नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कथा सुनकर अपने जीवन को दिव्य बना देते हैं, अपने जीवन को दिव्यता से भर देते हैं।